नमस्कार प्राग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, रीवा तीर्थ मध्य प्रदेश शासकीय प्राथमिक पाठशाला हरिजन बस्ती वाचुनरी में सरपंच द्वारा कराया गया है अधूरा कार्य। प्रधान अध्यापक रहते हैं नदारद। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत चुनरी में सरपंच द्वारा जो बाउंड्री वॉल का कार्य कराया गया है वह अधूरा है। प्रधान अध्यापक विद्यालय से नदारद रहते हैं। बच्चों को मेन्यू के आधार पर माध्यान्ह भोजन नहीं मिल पाता है। शौचालय जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है। बच्चों को पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है। पीएचआई विभाग द्वारा कनेक्शन नहीं कराया गया है। विद्यालय के प्राथमिक शिक्षक अवध बिहारी सिंह द्वारा क्या बताया गया आपको इस वीडियो के माध्यम से सुना सकते हैं। विद्यालय में मौजूद ग्रामीणों ने क्या बताया ये भी आपको सुना सकते हैं। विद्यालय परिसर के अंदर आंगनवाड़ी भी संचालित है। आंगनवाड़ी में बच्चों को माध्यान्ह भोजन नहीं मिल रहा है। जिले के आला अधिकारियों का ध्यान प्राथमिक विद्यालय हरिजन बस्ती एवं शासकीय प्राथमिक पाठशाला चुनरी की ओर दिलाना है। आखिर में बच्चों को सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही, विद्यालय के अध्यापक द्वारा क्या बताया गया वह जीरो ग्राउंड से सुन सकते हैं। कौन सही है कौन गलत ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा। प्राग एक्सप्रेस न्यूज से धीरेन्द्र तिवारी, कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज संवाददाता, शासकीय प्राथमिक पाठशाला चुनरी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने विद्यालय के हेडमास्टर साहब भी मौजूद हैं। मैं सीधे आपको उनसे रूबरू कराऊंगा। मैं कैमरामैन जर्नलिस्ट से दिखाना चाहूँगा कि विद्यालय के चारों ओर से थोड़ा सा जो है लोकेशन लें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो विश्वास सूत्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही थी कि विद्यालय में मध्यान्ह भोजन तो बनता है लेकिन वो प्रोवाइड कैसे होता है मेनू के आधार पर नहीं हो पाता। विद्यालय के हेडमास्टर से मैं उनसे सीधे आपको रूबरू कराऊंगा कि जो बच्चों को मध्यान्ह भोजन क्यों नहीं मिल पा रहा है मेनू के आधार पर। मध्यान्ह भोजन मेनू के आधार पर क्यों नहीं मिल पा रहा है? अरे चावल दाल जो मतलब है मेनू डे बाई डे, तो उसमें चावल दाल सब्जी और मंगल को खिचड़ी थी, मंगल वाला मिलता है सर। बाकी जो अचार सलाद है ये संभव नहीं है, यहाँ समूह वाले नहीं बना पाते। समूह का क्या नाम है? जागृति स्व सहायता समूह। जागृति स्व सहायता समूह जी। अच्छा सर ये बताइए कि आप यहाँ पर कब से पदस्थ हैं? अगस्त 2019 से। तो मध्य प्रदेश शासन से तो आपको जो है विद्यालय की मरम्मत के लिए तो धन भी मुहैया होता है? हाँ आता है, लेकिन इस साल अब बंद हो गया सर। अभी आया है राशि शिक्षा केंद्र से तो एक हाँ। वर्ष कोरोना पीरियड में नहीं आया अभी नहीं आया है, बीआरसी में आया है तो अब भी लगाएंगे, काम चालू करवाएंगे सर। तो आपके उसमें भाई रंगाई पोताई तो नहीं, अब चालू होगा सर। अभी निर्देश प्राप्त हुआ है बीआरसी कार्यालय में। कितने साल से रंगाई पोताई नहीं हुआ? नहीं, पिछले साल हुआ है सर। पिछले साल कराया गया? पिछले साल सब कंप्लीट हुआ। कितनी ग्रांट मिलती है सर आपको इसकी? टोटल 25,000 मिलती है। 25,000 पर ईयर? जी जी। और सब कुछ रहता है सर, मेंटेनेंस का रहता है, पोताई का, स्कूल का। तो आप पूरी मत खर्चा कर देते हैं? अभी तक तो पिछले उसमें मैडम जी थी हेड मास्टर, और उसके बाद हम जब प्रभार लिए तो खर्च होता है सर। खर्च होता है जी जी। और आंगनवाड़ी आपके बगल से इसी कंपाउंड में खुलती है? हाँ हाँ डेली खुलती है सर। बच्चे आते हैं? हाँ हाँ आते हैं सर। आज कितने बच्चे हैं सर? किसमें? आपके विद्यालय में 26 आए बच्चे। 26? टोटल एनरोलमेंट कितने? 57। 57 जिनकी 50% उपस्थिति रहती है। आप सुन सकते हैं कि विद्यालय ग्राउंड तो बहुत बड़ा है, परिसर है, प्ले ग्राउंड है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पीछे तरफ बाउंड्री बाल नहीं है। विद्यालय की रंगाई पोताई नहीं कराई गई इस वर्ष, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो है इस विद्यालय को ग्रांट मिलती है उससे कौन कौन से कार्य कराए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि यहाँ पर एक ही अध्यापक है। आप देख सकते हैं कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय हरिजन बस्ती चुनरी में मौजूद हूँ। मेरे सामने विद्यालय के जो सहायक अध्यापक वो भी मौजूद हैं। जो विश्वास सूत्र से हमको जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर जो है स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो मध्यान्ह भोजन है वो बच्चों को प्रोवाइड तो होता है लेकिन मेनू के आधार पर नहीं हो पाता है। और यहाँ पर जो भी है, और आप देख सकते हैं कि मेरे जस्ट बिहाइंड में ग्राम पंचायत के तहत इस विद्यालय का बाउंड्री वॉल कराया गया है, जो आज की डेट में आप देख सकते हैं कि अधूरा पड़ा हुआ है, इसमें प्लास्टर नहीं हो पाया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि नंबर 2 की ईंटों का प्रयोग इसमें कराया गया है, 2 नंबर की ईंट है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेलते हैं, खेल का ग्राउंड भी है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी सरिया भी निकली हुई है, कभी भी इस पर दुर्घटना भी हो सकती है। मैं विद्यालय के जो मास्टर साहब हैं मैं उनसे आपको सीधे रूबरू करूँगा। सर
आपके विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन है वो मेनू के आधार पर बनता है? लोगों से शिकायत हमको बराबर मिल रही कि आपके यहाँ मध्याह्न भोजन मेनू के आधार पर नहीं बनता है। जी सर, मेनू हमारे विद्यालय में जो लिखा है उसके आधार पर नहीं मिला है बच्चों से भोजन। किस संस्था से जो है आपके यहाँ के बच्चों को भोजन प्रोवाइड होता है? ये अपने यहाँ जागृत स्व सहायता समूह जागृत स्व सहायता समूह चुनरी। और सर दूसरी बात एक चीज़ ये बताइए कि आपके यहाँ जो जबौंगीवाल ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया है ये पूरा हो चुका है? सर ये बाउंड्री तो बनी है पर यही इसमें काम अधूरा है, जिसे प्लास्टर नहीं हुआ है, प्लास्टर बाकी है। पैसा तो निकल चुका है इसका? अब सर ये हमको जानकारी नहीं है क्योंकि ये सरपंच और सेक्रेटरी के माध्यम से बना है, इसमें मान्य है मास्टर और मास्टर कोई रोल नहीं है। आपने कभी ये नहीं कहा कि जो बड़ी बड़ी सरिया निकल चुकी हैं आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कभी सरपंच और सचिव साहब इस विषय पर चर्चा नहीं? सर हम इसके बारे में हम लोग सरपंच से चर्चा किए हैं कि इसके भी पोताई भी बाकी है, इसकी सुंदरता भी चाहिए ना अपने को, पोताई बोले करवाएंगे तब तक भी करवाते हैं। अच्छा बाउंड्री वाल के साथ पोताई तो नहीं हो पाई है लेकिन आपके बिल्डिंग की भी पोताई नहीं हो पाई है। आपने कभी अपने हेडमास्टर साहब से कहा कि जो मध्य प्रदेश शासन इसमें 25,000-50,000 रुपये पर ईयर एक साल की ग्रांट देती है उससे इसका जो है रख रखाव होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पाया है सर? जी सर अभी 5-6 दिन पहले एक अधिकारी आए थे वो भी यही बोले हैं कि पैसा आता है तो उसकी पोताई होनी चाहिए। पैसा हर मद का आता है? जी जी जी। अब आपके यहाँ मैंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन से जो बेसिक शिक्षा का है वो कम से कम 25 अधिक से अधिक 50-75 उस छात्र संख्या के ऊपर हो जाता है तो मिनिमम 25,000 के ऊपर आपके यहाँ पैसा आया होगा। लेकिन इसका जो आप कंडीशन देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इसकी पोताई लगभग लगता है कि 2-4 वर्षों से नहीं हुई है, इसका मतलब पैसे का बंदरबाट है आपके हेडमास्टर साहब द्वारा हो रहा है। अब सर अपने को ये जानकारी नहीं है, मैं अब तो खैर। आप कितने साल से यहाँ पर पदस्थ हैं सर? गलत बेसिक शिक्षा मध्य प्रदेश शासन कितना भी उठाने का प्रयास कर ले लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय हैं उनकी उन्नति नहीं हो पा रही है। जो क्यों नहीं हो पा रही वो वहाँ पर पदस्थ हेडमास्टर और जो भी जिले के आला अधिकारी हैं खंड शिक्षा अधिकारी हैं क्योंकि उनका ध्यान कभी शोर नहीं जाता है, बच्चों को प्रोवाइड नहीं हो पा रहा मध्याह्न भोजन मेनू के आधार पर। और आप देख सकते हैं कि बाउंड्री वाल भी जो ग्राम पंचायत के अधीन बनाया गया है लेकिन वो भी उसमें भी पैसे का बंदरबांट हुआ है। अगर सही तरीके से जाँच की जाए तो कहीं ना कहीं ये दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब होती है देखने वाली बात होगी। और बिल्डिंग मैंने पहले भी जीरो समय नहीं, शिक्षक आने का भी कोई समय नहीं, शिक्षक विद्यालय आने का भी कोई समय नहीं, जाने का भी कोई समय नहीं। लगभग 4:30 बजे तक विद्यालय खुला रहता है? हाँ लगभग खुला रहता है, हाँ खुला रहता है लेकिन आने के समय बच्चे आ जाते हैं लेकिन शिक्षक अपने हिसाब से 11-12 जब जैसा सिस्टम हुआ तब ऐसे आते हैं। आप सुन सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा ग्रामीण जनों ने शिक्षकों पर भी आरोप लगाया है। सर एक प्रॉब्लम इनके आने जाने का कोई समय नहीं निश्चित हो पाता है, कब आते हैं कब जाते हैं और ग्रामीण जन में उनसे जानना चाहूंगा। गवर्नमेंट आज इसमें लाखों रुपए लगाया बोर में, बोर के बाद सबमर्सिबल डाला, लाइन फिटिंग हुई, आज तक कनेक्शन नहीं हुआ। बेचारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं डिब्बा का बाटल घर से भर के लाओ, पानी नहीं है। जबकि कनेक्शन हुआ, सारा सिस्टम है, सिर्फ कनेक्शन नहीं हुआ। ये कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? लापरवाही है इसमें। अब ये कहाँ की लापरवाही है तो हमें यार बिजली का कनेक्शन नहीं हो जी, बिजली का कनेक्शन मास्टर की जिम्मेदारी है, हाँ तो कनेक्शन हो जाए, पानी मिले बच्चों को नहीं, पूरा पाइपलाइन खत्म हो रहा है और कनेक्शन नहीं हो। आप सुन सकते हैं कि कितनी उदासीनता वाली बात रखी गई, पानी की टंकी रखा गया, ग्रामीण जन भी बता रहे हैं कि पाइपलाइन है, बोरिंग कराया गया, सारी सिस्टम है लेकिन बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, कनेक्शन नहीं, कब मिल पाएगा देखने वाली बात होगी। आंगनबाड़ी और ये आंगनबाड़ी सर साइड में है हमारे, आप देख सकते हैं कि ये जल्दी खुलती नहीं है और जब खुलती भी है तो यहाँ पर बच्चे भी उपस्थित नहीं रहते हैं, इसको ध्यान दिलाना है। फोटो यहाँ पर जो है ये आंगनबाड़ी केंद्र जो नदी का है आप यहाँ आंगनबाड़ी में आप बच्चे कहाँ हैं आपके? कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। क्या मिल रहा है इनको आज खाने के लिए? खाना नहीं मिल रहा है? आप ऐसे आएंगे थोड़ा सा? क्या नाम है आपका? रेखा सिंह। तो आप के यहाँ बच्चों को जो है मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है, तो आज क्यों नहीं बना है? तो पुजारी उनके घर में, उनके घर के लोग आज अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, बच्चों को भोजन नहीं मिलेगा?
और आपकी सहाय का कहाँ है? आज नहीं है? नहीं, सहाय तो नहीं है। नहीं है, नियुक्ति ही नहीं है। नियुक्ति हुई थी, वो रिटायर हो गई। और ये आंगनबाड़ी आपको बराबर खुलता नहीं है? किसी से काम खुलता है? आंगनबाड़ी केंद्र तो खुलता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने सहायिका जी भी आंगनबाड़ी का कहते, जो कि मैं गहरा स्व सहायता समूह के मेरे मम्मी अध्यक्ष हैं। सर यहाँ पर मध्यान्ह भोजन का जो दिया जाता है, यह साझा चूल्हा है, तो सर यहाँ क्या है कि ना समय पर तो खाद्यान्न मिल पाता है। आज हमको अगस्त से अभी तक हमको खाद्यान्न की प्राप्ति नहीं हुई और ना मेरा टाइम पर पैसा जाता है सर, तो हम कहाँ से उचित और समय पर हम बच्चों को कैसे भोजन और इनको नाश्ता पानी दे पाए सर, सबसे बड़ी समस्या। और मुझको अगस्त के बाद से हमको सर अभी तक खाद्यान्न नहीं मिला हुआ है, जो कि मैं सूची कोटेदार अनूप सिंह को मैं दे चुका हूँ। मैं बोलता हूँ कि खाद्यान्न आ चुका है, बोलते हैं अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं बोले तो अभी अगस्त मान लिया जाए कि अभी तक कितने महीने हो गए। लेकिन आपको जो है खाद्यान्न प्राप्त तो नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है। कन्वर्जन राशि आपको कितनी मिलती है एक बच्चे पर? एक बच्चे पर सर वो मालूम नहीं है, ये तो मैडम बता सकती हैं। धन तो आपके खाते में आता होगा, जब आप स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत बच्चों को भोजन प्रोवाइड कराते हैं तो एक मैं बताता हूँ, आप बताइए, क्योंकि आपके खाते में आपके समूह के अध्यक्ष हैं, आपके माता श्री अध्यक्ष हैं, तो एक बच्चे पर जो है कास्ट कन्वर्जन कास्ट कितनी आती है बड़े सर? वो हमको नहीं मालूम है सर, जैसे यहाँ से उपभोक्ता हम लोग जमा कर देते हैं और वहाँ से खाते की जानकारी जितना पैसा बनता है सर वो ऊपर चले जाते हैं, मेरे खाते में आ जाता है, लेकिन डिटेल से पता नहीं कि एक बच्चे के पीछे वो कितना नाश्ता और कितना हमको समय चूल्हा का मध्यान्ह पैसा मिलता है, ये अपनों को पता नहीं पता है।